हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एडियो के 10वें टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोशनी कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए 10 जून 2013, ऑप्शन बी 11 जून 2013, ऑप्शन सी 15 जून 2013 और ऑप्शन डी 16 जून 2013। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 10 जून 2013। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोशनी कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोशनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नक्सल इलाकों में रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन बी महिलाओं को रोजगार देना, ऑप्शन सी केवल बी सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए नक्सल इलाकों में रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनरेगा की अधिसूचना की तिथि क्या है? ऑप्शन ए 7 सितंबर 2005, ऑप्शन बी 2 फरवरी 2006, ऑप्शन सी 25 अगस्त 2005 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 7 सितंबर 2005। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2022 से मनरेगा की मजदूरी दर कितनी है? ऑप्शन ए 205 रुपए, ऑप्शन बी 203 रुपए, ऑप्शन सी 204 रुपए और ऑप्शन डी 206 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 204 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से मनरेगा की मजदूरी दर कितनी है? ऑप्शन ए 222 रुपए, ऑप्शन बी 223 रुपए, ऑप्शन सी 221 रुपए और ऑप्शन डी 206 रुपए। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 221 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनरेगा में किस अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन ए धारा 3 के उपबंध 1 के तहत, ऑप्शन बी धारा 4 के उपबंध 1 के तहत, ऑप्शन सी धारा 5 के उपबंध 1 के तहत और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी धारा 4 का उपबंध 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनरेगा के तहत लोकपाल की नियुक्ति किस धारा के तहत वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 25, ऑप्शन बी धारा 26, ऑप्शन सी धारा 27 और ऑप्शन डी धारा 28। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी धारा 27। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनरेगा के तहत उन्नति योजना को प्रारंभ कब किया गया है? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2016। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 2019। वहीं अंतिम क्वेश्चन है, उन्नति योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन बी रोजगार हेतु पैसा देना, ऑप्शन सी केवल बी सही है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।